हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। हम आज चकमा और हेजोंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? क्या इश्यूज है चकमा एंड हेजोंग का, ठीक है? क्यों अरुणाचल प्रदेश को इसके लेकर प्रॉब्लम है, क्या कह रही है अरुणाचल प्रदेश की सरकार, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है? पहले हम लोग डिस्कस करते हैं चकमा इशूज़ के बारे में, चकमा हेजोंग के बारे में। देखिए, दो ट्राइब्स हैं, एक चकमा है और दूसरा है हेजोंग। ये बात आप समझ समझ में आ गया। चकमा आर बेसिकली बुद्धिस्ट, ठीक? चकमा जो है वो बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, और हेजोंग जो है वो एक हिंदू ट्राइब, ठीक, जो सनातन फॉलो करती है। ये बात पहले आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए। चकमा आर बेसिकली बुद्धिस्ट एंड हेजोंग आर बेसिकली हिंदू, ठीक है? अभी देखिए क्या था, चकमा बेसिकली चित्तागोंग में रहती थी। चित्तागोंग जो है ये प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ठीक है? चकमा और हेजोंग दोनों के दोनों क्या करते थे, ये चित्तागोंग हिल्स में रहते थे, याद रखिएगा चित्तागोंग, ठीक, चित्तागोंग हिल्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1960s में जब ये बांग्लादेश बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता, उस समय में क्या हुआ कि यहाँ पर एक बेसिकली एक डैम बनाने की बात हुई, ठीक है? तो उस डैम बनाने की वजह से रिजर्वायर वगैरह भी जो है वो उसका जो है रिजर्वायर की वजह से बहुत बड़ा एरिया जो है वो डूब जाता है, ठीक है? इस वजह से इस ये जानते हुए भी कि यहाँ पे चकमा और हेजोंग वाले लोग रहते हैं, इसके जानते हुए भी जो है यहाँ पर जो है डैम बनाने की कोशिश की गई और यहाँ पर रिजर्वायर बनाया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे चकमा और हेजोंग डिस्प्लेस हुए। यही नहीं, क्योंकि उस समय में ये ईस्टर्न पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था और हेजोंग उसमें बेसिकली हिंदू कम्युनिटी हुआ करते थे, तो इनका बहुत लार्ज अमाउंट में परसिक्यूशन हुआ, चकमास का भी और हेजोंग का। तो दो रीजन थे, एक तो डैम बना और दूसरा जो था परसिक्यूशन हुआ, क्योंकि उस समय में ये ईस्टर्न पाकिस्तान का पार्ट हुआ करती थी, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हुआ करता था, इनका लार्ज स्केल परसिक्यूशन हुआ है चकमा का और हेजोंग का, दोनों का, ठीक है? तो जब चकमा और हेजोंग जब इनका लार्ज स्केल परसिक्यूशन हुआ तो इनको अपना जगह जो चित्तागोंग हिल था उनको इनको छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है? तो चित्तागोंग हिल से ये लोग जो थे 1960s में लुसई हिल्स में आ गए। अब लुसई हिल्स में जैसे ये लोग आना शुरू किए तो वैसे मिजोरम को प्रॉब्लम होने लगी कि भैया इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो देखिए डिफरेंट है कि डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी अगर एक पर्टिकुलर जगह पे आ जाएगा उसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो होता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल वो चेंज हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे कल्चरल इश्यूज आने लग जाते हैं, इलेक्टोरल इश्यूज होने जाते हैं, वो इलेक्टोरल मुद्दा मिल जाता है, वो पॉलिटिकल इशू बन जाता है। तो वहाँ से भी इन मिजोरम की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई हम इतने लोगों को नहीं रख सकते, तो फिर धीमे धीमे यहाँ से लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह जैसे कि नागालैंड के अरुणाचल प्रदेश के तीरप में चले गए, उसके बाद लोहित में चले गए, सुबनसिरी में। तो लार्ज स्केल इनका जो है माइग्रेशन फ्रॉम लुसई हिल से डिफरेंट पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तीरप में हुआ, लोहित में हुआ और सुबनसिरी में हुआ। तो ये सारी घटनाएं 1960, ठीक है? लेकिन 1972 ऑनवर्ड्स जब इसे पहले अरुणाचल प्रदेश को नीफा कहा जाता था, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो 1972 में जब नीफा अरुणाचल प्रदेश बना और जब उसे स्टेटहुड मिलने की बात होने लग गई तो फिर कहा भाई हम लोग अपने ही कम्युनिटी में को ध्यान देंगे, ये बाहर से आए वाले लोगों को ध्यान नहीं देंगे। सारी प्रॉब्लम फिर 1972-70 से स्टार्ट हो गई कि भाई एक तरफ तो 1971 के बाद बांग्लादेश बन गया तो ये लोग वापस जा नहीं सकते थे, दूसरी बात जब ये मिजोरम नागालैंड असम इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जब गए तो वहाँ की लोकल कमेटी ने कहा नहीं भाई हम इतने एसिमिलेट नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर जो चकमा और हेजोंग हुआ करते थे वो अरुणाचल प्रदेश में चले गए। अब अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट कहने लगी कि नहीं भाई ये कोई पार्किंग लॉट थोड़ी ना है, दे आर यूज द वर्ड पार्किंग लॉट, समझ माना कि आप जो हैं जो भी ट्राइब प्रोसिक्यूट होगा आप उनको अरुणाचल प्रदेश में देंगे, मेरे लोकल ट्राइब में उनके कल्चरल इफेक्ट हो रहे हैं। 1970s के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी चकमास को लेकर, ठीक है? तो देखिए चकमा इशू के बारे में हम लोग क्रोनोलॉजिकल मैनर में देखेंगे। मैंने एक पेपर कट निकाला है कि बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत क्रिस्प में और बहुत शॉर्ट में इन्होंने बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया है। देखिए चकमा इन्होंने बताया है कि दे आर ऑल बुद्धिस्ट ट्राइब, फरमाया जो चित्तागोंग हिल ट्रैक में रहते थे, हेजोंग जो थे वो हिंदू ट्राइब थे और ईस्टर्न पाकिस्तान में बेसिकली रहते थे और इनको परसिक्यूशन के वजह से हेजोंग को भी बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और चकमा को भी छोड़ना पड़ा। चकमा और हेजोंग दोनों के दोनों जो थे 1964-69 में मिजोरम त्रिपुरा में चले गए। आपको पता है मैंने बताया आपको लुसई हिल में वो लोग सेटल हुए,
लेकिन धीमे धीमे वो वहां से भी, क्योंकि उनका कहा गया भाई आप यहाँ पे इतना नहीं रह सकते, तो धीमे धीमे वहां से भी वो लोग दिफा और अरुणाचल प्रदेश में चले गए। अब अरुणाचल प्रदेश को प्रॉब्लम होने लगी, नियरली 1.8 लाख चकमास मिजोरम त्रिपुरा असम मेघालय और वेस्ट बंगाल में सेटल हुए, समझ में आ गया, उनमें से बहुत भारी मात्रा में जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में चलेगा। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पिटीशन फाइल किया कि देखिए ऐसा हो रहा है चकमा एजोंग के साथ गलत हो रहा है, ध्यान दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि चकमा और हेजोंग को अपनी जगह से नहीं हटाया जा सकता, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो चाहे कहीं पर भी हो, उनके सिटीजनशिप जो एप्लीकेशन हैं उनको प्रोसेस किया जाए और उनको सिटीजनशिप दिया जाए। फिर बाद में 1999-2002 में 4637 चकमा एंड हेजोंग को जो है उनको, जो रिफ्यूजीज थे उनको सिटीजनशिप दिया भी गया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो उन्होंने अप्लीकेशन दिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिला है। कुछ डिसेंडेंट्स के पास जो है वो पासपोर्ट्स हैं, कई सारे गवर्नमेंट आईडी हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो इंडिया में बॉर्न आउट बॉर्न ब्रॉटअप हुए हैं, समझ मार, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं मिला है। 1497 जो चकमाज एंड हेजोंग्स पीपल हैं उनको सरजी जो है इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड भी किया गया 2004 में, पर 2015 तक आते आते बहुत सारे चकमा हेजोंग ने रिफ्यूजी स्टेटस से सिटीजनशिप देने की बात करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी 2015 में कि भाई आप जो है चकमा हेजोंग को क्यों नहीं सिटीजनशिप दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं मिला है। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप इसे पार्किंग लॉट मत बनाइए, समझ में आ गया। तो चकमा और हेजोंग का इशू, चकमा और हेजोंग का इशू बेसिकली आप ये लोग बेसिकली इविक्टेड हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल पार्ट ओरिजिनल टेरिटरीज, और अब वो इंडिया में आ गए हैं। इंडिया में एक्चुअली जब आने के पर माइग्रेशन और रिफ्यूजी आ गए हैं, कई सारे लोकल कम्युनिटी को भी प्रॉब्लम है इनके आने से, स्टेट गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि स्टेट एक्सचेकर पे फर्क पड़ रहा है, आप उनके जो लोकल वोट्स हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे उनके वजह से। तो वो बहुत सारे मुद्दे हैं चकमा हेजोंग के इशू को लेकर, इतना समय लंबा समय बीत गया है, इनके कई सारे जनरेशन हो गए, समझ में आ रहा है। तो कई कई सारे जनरेशन में जिनमें कई सारे को सिटीजनशिप मिल गया है, तो दे आर और एस टी स्टेटस भी दिया गया और सिटीजनशिप दिया गया है, कई लोग सिविल सर्विसेज में भी जॉब करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि इस कम्युनिटी को जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप दिया जाए, ताकि जो प्रॉब्लम है उसको तो जल्दी जल्दी रिजॉल्व किया जाए। एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको भी पॉलिटिकल विल शो करना चाहिए और उन्हें असिमिलेट करने की कोशिश। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चकमा एंड हेजोंग इशू इन डिटेल। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रख सकते हैं। अगर कोई भी मुद्दा आपको लगता है कि चकमा हेजोंग के बारे में मैंने कवर नहीं किया, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली कैटर इन द अनदर वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।